अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अब्दो और आप लोग देख रहे हैं रेसलिंग विद अब्दो। तो गाइस, एरिक रोवन आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, आप लोगों ने देख लिया ही होगा। आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ने उन्होंने किया था यहाँ पे ट्रिब्यूट ब्रे वायट को, लेकिन क्या फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं ब्रे वायट, आई मीन यहाँ पे जो एरिक रोवन है उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं, और क्या यहाँ पे ब्रे वायट यहाँ क्या ब्रे वायट के जा रहा हूँ एरिक रोवन और ब्रॉन स्ट्रोमैन के यहाँ पे साथ यहाँ पे एक वायट फैमिली रियूनियन होने वाली है, तो इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एरिक रोवन का यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है कि एरिक रोवन कितना टाइम के लिए रहेंगे कितने टाइम के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर यहाँ पे कंफर्म्ड है कि हो सकता है कि यहाँ पे एरिक रोवन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको मल्टीपल यहाँ पे अपीयरेंसेस देखने को मिल जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पे ब्रे वायट की डेथ हो चुकी है, अब वायट फैमिली में से यहाँ पे ल्यूक हार्पर की भी डेथ हो चुकी है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे ब्रे वायट और यहाँ पे ल्यूक हार्पर दोनों को यहाँ पे ब्रे वायट को मज़ीद ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे एक वायट फैमिली यहाँ पे करी यूनियन कर दें, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन और यहाँ पे एरिक रोवन के यहाँ साथ यहाँ पे इन ये दोनों एक नई यहाँ पे वाइट फैमिली बना ले बो डैलस के साथ। बो डैलस काफ़ी देर से नहीं आए और काफ़ी हिंट्स भी निकल कर सामने आ रहे थे कि बो डैलस आएंगे, तो हो भी सकता है कि बो डैलस फाइनली आ जाए, लेकिन एरिक रोवन को लेकर ये कुछ अपडेट नहीं है कि कितने टाइम तक वो रहेंगे। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि एरिक रोवन जो हैं उनके किसी भी कंपनी के साथ वो साइन नहीं है, यानी उनको किसी के साथ कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो यहाँ पे जो है WWE सुपरस्टार या यहाँ पे जो एरिक रोवन है वो यहाँ पे हो सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल अपीयरेंसेस देखने को मिल जाएं, और क्या पता वो लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ साइन कर लें और ब्रे यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ एक नई यहाँ पे वाइट फैमिली बनाते हुए दिख जाएं, क्योंकि इस वक्त वाइट फैमिली अगर वो बना दें तो फिर अच्छा एक मज़ीद अच्छा ट्रिब्यूट यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ब्रे वाइट के लिए, अच्छा होगा ये। वैसे तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर के अंदर, लेकिन ब्रे वाइट को का मज़ीद ट्रिब्यूट पे करने के लिए हो सकता है कि ये लोग ये कर लें। अच्छा, अभी होगा एक और पॉजिटिव रीज़न जो है वो ये है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भले ही ब्रॉन स्ट्रोमैन इंजर्ड थे लेकिन आप लोग उनका यहाँ पे पुश देख लो, आप लोग उनका करियर देख लो, अभी तक अभी 2020 के बाद वाला करियर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभी वाला यहाँ पे करियर आप लोग देख लो, कुछ अच्छा खासा कोई ख़ास नहीं करेक्टर मतलब उनका ज़्यादा हो रहा, तो अगर एरिक रोवन के साथ मिलकर वो एक टैग टीम बना लेते हैं जो वाइट फैमिली होगी रियूनियन, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, और हो भी सकता है कि एरिक रोवन अब आपको WWE के अंदर देखने को मिल जाए, जो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे ऑब्वियसली काफ़ी इमोशनल कि ब्रे वायट की डेथ हो चुकी है, क्या मतलब क्या गुजरी होगी इनके ऊपर कि ब्रॉन स्ट्रोमैन और एरिक रोवन दोनों के जस्ट आंखों के सामने दोनों वायट फैमिली के मेंबर यानी कि जो ब्रे वायट हैं एंड ल्यूक हार्पर दोनों के दोनों यहाँ पे उनके बिल्कुल सामने इन दोनों की डेथ हो चुकी है, तो ट्रिपल एच का ये गोल होगा कि यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन और एरिक रोवन को ये फेस सेफ रखें, इनको अच्छा पुश दें, उनको अच्छा करियर दें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे उनको हेल्दी रहें, और ताकि उनके भी ना एक दिन यहाँ वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन एरिक रोवन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एरिक रोवन का ये जो है वो रिटर्न वो हो चुका है, और एरिक रोवन का आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो मल्टीपल यहाँ पे अपीयरेंसेस और यहाँ पे मज़ीद ब्रे वाइट का ट्रिब्यूट पे करने के लिए, तो क्या ही हो सकता और अच्छा हो सकता है इससे कि यहाँ पे जो वाइट फैमिली है वो आ जाए और यहाँ पे रियूनियन हो जाए और यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन और एरिक रोवन वापस से टीम बन जाए। तो ये कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन बताई थी, बाकी फिर से रेस्ट इन पीस ब्रे वाइट विल बी रिमेम्बर्ड, बाकी मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी, लेकिन टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, ज़रूर टेक केयर अपना रखना, अपना ख्याल जरूर।